कमिंगयर्स कैसे आप सब उम्मीद है आप सब हेडिये से होंगे वेलकम बैक टू अनदर व्लाग और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कॉन्टीन्यूशन है लास्ट व की तो मैंने लॉन्ड्री की थी मैंने आपके साथ शेयर किया था तो अब कपड़े सारे संभालने वाला काम था अब मोस्टली जो मैंने लॉन के कपड़े थे वो मैंने सारे रख दिए हैं अब और ये जो बाकी अभी वॉश किए हैं इनको भी मैंने संभालना है अभी फ़िलहाल उनको भी मैंने ना शॉपर्स में बैग्स में डाल के रखा हुआ है फिर एक साथ ही मैं उनको जो भी स्टोरेज वग़ैरह है वहाँ पर रख दूँगी और वहाँ से सर्दियों के कपड़े निकालूँगी तो बेड शीट्स जो हैं वो तो अभी समर्स की ही यूज़ होंगी कुछ टाइम तो बेड शीट्स फ़िलहाल मैं नहीं संभाल रही लेकिन बच्चों के कपड़े और अपने और सारे जो लॉन् के कपड़े हैं ना वो सारे मैं रख रही हूँ और थोड़े मिड मिड सीज़न वाले जो हैं सिर्फ मैं वो जो इन दिनों में यूज़ होने वाले हैं सिर्फ वही ही रखूँगी फ़िलहाल के लिए तो इससे पहले कि मैं सारे कपड़े संभाल लेती अपनी जगह पे फिर मैं उनको निकालती और उनको मैं से डिक्लेटर करती तो इससे बेहतर था कि मैं पहले ये काम कर लेती तो यहाँ पे सफ़ा फिर मैंने कपड़े जब लॉन्ड्री की थी तो उनको मैंने साथ साथ तय करके नहीं रखा था इकट्ठे करती रही थी मैं और यहाँ पे बस मैंने सबको यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस उनके जहाँ जहाँ पे भी रखना था उस हिसाब से मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करना है बच्चों के कपड़ों में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उनको छोटे हो जाते हैं वो मैं अलग से रख देती हूँ या किसी को देने हों तो वो मैं दे देती हूँ और इसके अलावा जो कपड़े उनको पूरे होते हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ हो सकते हैं वो कपड़े फिर मैं रख देती हूँ और वो भी अलग अलग से करके रखने पड़ते हैं तो काफ काफ़ी सारी कैटेगरीज़ बन जाती हैं संभालने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस काम में तो आज खाना जो है वो मेन खाना बनाने वाला नहीं था तो मैंने सोचा कि ये काम सारा डिटेल वाला मैं कर लेती हूँ उसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी आपके साथ शामी कबाब बनाने की रेसिपी और उसके अलावा मैं उसका अलग से एक मेथड भी शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से आप उसको बना के स्टोर कर सकते हैं स्पेशली फॉर बच्चों के लंच बॉक्स या सैंडविच बनाने के लिए अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए कर रहे हैं तो बहुत इजी आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं क्या मेथड है वो भी मैं चलो आपके साथ शेयर करूंगी तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम था सबसे पहले फिर मैंने नाश्ता वगैरह कराया बच्चों को उसके बाद मैंने यही काम यही से शुरू किया सैटरडे का दिन था आज अलीज़ा को भी छुट्टी थी बच्चे घर में हों तो थोड़ा काम भी लेट होता है और दूसरा बच्चों के साथ भी थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ता है साथ साथ तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बस यहाँ पे मैं कपड़े संभाल लूँगी तय करके मैं रख रही थी अलग अलग से बैग्स में और उसके बाद जो मैंने कपड़े रखने थे फ़िलहाल यूज़ किए थे उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे रख लिया था तो ये काम ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया था और सबसे मेजर जो काम होता है वो सीज़न चेंज में यही काम होता है तो वनशाला आज हो जाएगा मेरा उसके बाद यहाँ पे मैं शेयर करने लगी हूँ जी आपके साथ शामी कबाब बनाने की रेसिपी तो मैंने चने की दाल ली थी आधा किलो और उसको मैंने ना भिगो दिया था मतलब सुबह ही नाश्ते के बाद ना मैंने उसको भिगो के रख दिया था तो आधा किलो ये दाल है उसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया है अब मैंने प्रेशर कुकर में दाल ऐड कर दी है उसके बाद मैंने लिया है एक दो मीडियम साइज़ के प्याज एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और उसके अलावा मैंने ली है दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है कुछ साबत लाल मिर्च ली है और कुछ ज़ीरा और काली मिर्च साबुत ली हैं और कुटी भी लाल मिर्च मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी लेकिन मैं इसको बना रही हूँ बेसिकली बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग खुद भी फिर उसी अकॉर्डिंग मतलब कम ही खाते हैं मसाला अगर आप ज़्यादा आपके बच्चे भी ज़्यादा मसाला प्रेफर करते हैं या आप लोग खुद स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच जो है ना ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है तकरीबन और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी एक चम्मच मैंने भर के इसमें नमक ऐड किया है और नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है और एक चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है उसके बाद ये सारे मसाले थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें डालना है गोश्त गोश्त मैंने आधा किलो लिया हुआ है इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था थोड़े बड़े पीसेज ही थे क्योंकि जब जितने बड़े आपके पास पीसेज होंगे उतने अच्छे रेशे इसके बनते हैं तो मैं वैसे इसको चॉप नहीं करती हूँ गोश्त के हमेशा हेशे में अलग से कर लेती हूँ और दाल को चॉप कर लेती हूँ या मोस्टली मैं ना इसको रखती हूँ जो दस्ता होता है हमन दस्ते का उसके साथ मैं ना प्रेशर कुकर में ही उसको कूट लेती हूँ तो बड़ा अच्छी सी दाल तो गली भी होती है खुद से ही मैश हो जाती है और गोश्त के रेशे बन जाते हैं तो वो बहुत सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है जब आपकी दाल बिल्कुल गर्म गर्म हो कुक होने के बाद तो आप उस टाइम पर ये काम कर लें तो आपके बड़े आराम से ना आपको कोई ब्लेंडर वगैरह अलग से गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस यहाँ पे ये सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसको प्रेशर लगा दिया इतनी देर में मैंने बाकी सारे काम निपटा लिए थे तो जितनी देर में मतलब मैंने इसको 25 से 30 मिनट लगाए थे क्योंकि बीफ मैंने लिया है इसमें और बीफ गलने में हमारे यहाँ ना थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने इसको थर्टी मिनट्स थर्टी थर्टी मिनट्स दिए थे अच्छा उसके बाद मलाई काफ़ी सारी जमा हो गई थी फ्रीज़र में फ्रीज़र में काफ़ी सारी बर्फ़ भी लग गई थी क्योंकि पहले तो गर्मी थी तो फ्रिज जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर कूलिंग नहीं करी थी लेकिन अब जब से मौसम चेंज हुआ है तो तो बर्फ़ ना ज़्यादा जमनी शुरू हो गई फ्रीज़र में तो मैंने उसको भी क्लीन करना था तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसका घी बना लूँ क्योंकि ये काफ़ी सारी मलाई जमा हो गई थी और इसको मैंने अब जो है ना यूटिलाइज़ करना था घी बनाना था इसका क्योंकि घी भी ख़त्म हो गया था मेरे पास देसी घी तो मैंने ये निकाल लिया है मैंने बड़े से बर्तन में ये निकाल लिया है सारी मलाई और यहाँ पर मेरे पास था आधा कप के करीब दही आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही था ये दही इसमें ऐड कर दें और ये बहुत आसानी से ना आपका मक्खन निकल आएगा आप ज़रा एक दफ़ा ये ट्रिक करके देखिएगा और खट्टा सा दही लेना आपने मतलब जो थोड़ा सा पक्का दही हो तो, जरा चलाएंगे, तो आपका मक्खन जो है ना फटाफट से तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर लिया जी और हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया है सिर्फ एक इसका मक्खन जो है ऊपर आना शुरू हो गया था लेकिन अब मैंने इसमें क्योंकि काफ़ी ये सारा जो था ना ये मलाई वाला ही पोर्शन था इसमें कोई पानी वगैरह तो था नहीं तो उसमें मैं हल्का हल्का सा पानी ऐड करती गई हूँ और साथ साथ मक्खन ऊपर आता गया ठंडा पानी ऐड करने से ना मक्खन बहुत जल्दी से ऊपर आ जाता है तो बस एक मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये देखिए बिल्कुल मक्खन जो है ना इसका अलग होना शुरू हो गया था तो अब मैंने यहाँ पे इसमें साथ साथ एक एक साइड पे पानी डाला था ठंडा ठंडा और उससे फटाफट से मक्खन ऊपर आ गया था तो फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया मक्खन से घी निकालने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है आई थिंक वीडियो जो है ना वो मेरे से स्किप हो गई है बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा खुशबूदार सा मैंने घी बना के रख लिया हुआ था और थोड़ा सा मैंने मक्खन भी निकाला है कभी सरसों के साग वग़ैरह के साथ यूज़ करने के लिए और ये कभी नाश्ते में आप यूज़ कर सकते हैं उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो इस तरह से बस देखिए अच्छे से मक्खन बन गया था अब ये बर्तन जो था ना वो मेरे पास इतना बड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने साथ साथ मक्खन में बना रही थी और साथ साथ में उसको निकाल रही थी ताकि जो है ना आ, मेरे पास जो स्पेस बनती रहे क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी तो डालना पड़ता है अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट जो बच जाता है ना ये दही अगर आप उसमें आ, मतलब जो इसका बच जाती है छाछ बच जाती है अगर आप उसमें दही नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा लेकिन दही डालने से इतनी अच्छी खट्टी सी लस्सी बन गई थी और इसके साथ मैंने बनाई थी कड़ी नेक्स्ट डे वो भी मैं इनशाला आपके साथ रेसिपी पूरी शेयर करूँगी तो बस यहाँ पे ही शामी कबाब जब अच्छे से हो चुके थे गोश्त भी गल चुका था तो मैंने उसको प्रेशर कुकर के अंदर ही ना दस्ते से उसको मैंने कूट लिया था एक फिर मैंने उसमें अंडा डाला है और आधी गड्डी मैंने पुदीना जो है ना धनिया मैंने चॉप करके और एक दो सबज में जो मैंने डाली थी वो भी ज़्यादा तीखी वाली नहीं डाली क्योंकि एलिज़ा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद और अगर कई सब्ज़ मेरे चार जाए तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाती अच्छा मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसी पॉइंट में नमक डाला है क्योंकि जब अंडा सारा मिक्स होगा ना सारे मसाले में तो साथ नमक भी मिक्स हो जाएगा और इसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है उसके बाद मैंने ये बड़े साइज़ की ट्रे ली है इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है अब जितना इसके ऊपर पोर्शन आएगा ना आपने उसके ऊपर फैला देना है और कुछ जो बाकी रह गया था उसकी मैंने जो टिपिकल शामी कबाब की टिक्की होती है उस तरह से बना लिए तो इस तरह से मैंने इसको फैला लिया था इवनली इसकी मोटाई रखनी है आपने ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम और इस तरह से करके मैंने इसको सारा फैला लेना है अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है क्यूब साइज़ में आ, मैं अलीज़ा को सैंडविच जब बना के देती हूँ तो वो मोस्टली एक ब्रेड का सैंडविच खाती है मोस्टली इससे ज़्यादा वो नहीं खाती तो अगर मैं, मैं बड़ा शामी कबाब फ्राई कर लूँ तो आधा उसके सैंडविच में लगता था और आधा बच जाता था जो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ तो इसलिए मैंने इसके बाइट साइज़ के हिसाब से एक सैंडविच के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है अब मैंने इसको ओवर फ्रीज किया था तो देखिए जब कटिंग करके आप रखेंगे ना तो इसको आपको अलग करने में पीसेज अलग करने में बहुत आसानी हो जाएगी देखें किस तरह से अलग अलग इसके पीसे खुद सही हो रहे हैं तो अब यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया मैंने मैट रखा था नीचे उसके ऊपर मैंने इनको निकाल लिया है अब मैं ये सारे क्यूब्स अलग अलग करके बैग में डाल दूँगी और ये मैं आपको शो करती हूँ कुछ मैंने इस तरह से गोल्टिकियाँ बना के रखी थी वो भी मैंने इसी के अंदर दी हैं और बाकी सारे जो मैंने क्यूब्स काटे थे वो भी सारे मैंने इस बैग में डाल के रख दिए हैं तो काफ़ी सारे शामी कबाब माशाल्लाह से रेडी हो गए थे और आप भी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा उम्मीद आपको पसंद आएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग